हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स ऑफ फिनाइल एलनिन एंड टायरोसिन। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस लेक्चर यू विल बी एबल टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन: मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स ऑफ फिनाइल कीटोन यूरिया, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स ऑफ टायरोसिनीमिया, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ऑफ एलकैप्टोन यूरिया एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स ऑफ अल्बिनिज्म। My lecture is divided into the following heading: metabolic defects, clinical feature and diagnosis of phenylketonuria, then tyrosinemia, alkaptonuria and albinism. First of all, phenylketonuria. पहले हम इसका catabolism का pathway देख लेते हैं कि फिनाइल एलनिन जो है, फिनाइल एलनिन हाइड्रोक्सिलेज के प्रेजेंस में बनाता है टायरोसिन, और अगर फिनाइल एलनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की डिफिशेंसी हो जाती है तो हम डिजीज़ होता है फिनाइल कीटोन यूरिया। फिर टायरोसिन जो है, टायरोसिन ट्रांस एमिनेज के प्रेजेंस में बनाता है पारा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरूवेट, और टायरोसिन ट्रांस एमिनेज एंजाइम की डिफिशेंसी से हो गया टायरोसिनीमिया टाइप सेकेंड। और पैराहाइड्रोक्सी फिनाइल पायरूवेट जो है, पैराहाइड्रोक्सी फिनाइल पायरूवेट डाइऑक्सीजनेस के प्रेजेंस में बनाता है होमोजेंटिसेट, और अगर पैराहाइड्रोक्सी फिनाइल पायरूवेट या पीएचपीपी डाइऑक्सीजनेस एंजाइम की डिफिशेंसी होती है तो डिजीज़ होता है नियोनेटल टायरोसिनीमिया। और होमोजेंटिसेट जो है, होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज के प्रेजेंस में बनाता है 4-methyl एसिटोएसिटेट, और होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज की डिफिशेंसी से डिजीज होते हैं अल्केप्टोन यूरिया। और 4-methyl एसिटोएसिटेट जो है, मेलाइल एसिटोएसिटेट आइसोमेरेज के प्रेजेंस में बनाता है 4-fumeral एसिटोएसिटेट, और 4-fumeral एसिटोएसिटेट जो है, फ्यूमेराइल एसिटोएसिटेट हाइड्रोलेज के प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है फ्यूमरेट और एसिटोएसिटेट में, और फ्यूमराइल एसिटोएसिटेट हाइड्रोलेज के डिफिशेंसी से डिजीज होते हैं टायरोसिनीमिया टाइप फर्स्ट। अब हम लोग आते हैं फिनाइल कीटोन यूरिया पे। फिनाइल कीटोन यूरिया जो है कॉमन, एक मोस्ट कॉमन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। ये इनबॉर्न हीटर है, ये बाय बर्थ होता है, ये ऑटोजोमल रिसेसिव डिफेक्ट है, ऑटोजोमल क्रोमोजोम पे होता है। 10,000 में एक बच्चे जो होते हैं उसमें फिनाइल कीटोन यूरिया की डिजीज होता है। ये एंजाइम डिफेक्ट होता है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, इस एंजाइम की डिफिशेंसी से फिनाइल कीटोन यूरिया डिजीज होते हैं वेरिएंट। और इसमें भी फिनाइल कीटोन यूरिया में भी किसी में डाइहाइड्रोबायोप्टेरिन रिडक्टेज की कमी की वजह से फिनाइल कीटोन यूरिया होता है। तो टोटल आउटकम ये है कि फिनाइल कीटोन यूरिया का, अगर फिनाइल एलनिन जो है वो इसमें जो है टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, और टायरोसिन जो है, हम जानते हैं कि फिनाइल एलनिन टायरोसिन में कन्वर्ट होता है, और टायरोसिन जो है वो कैटेकोल एमाइंस बनाते हैं, थायरॉयड हार्मोन बनाते हैं, मेलानिन बनाते हैं। तो फिर जब फिनाइल एलनिन टायरोसिन में नहीं कन्वर्ट होता तो टायरोसिन जो फंक्शन करेगा वो नहीं हो पाता इसमें, और जिसकी वजह से क्या होता है, फिनाइल एलनिन अगर टायरोसिन में नहीं कन्वर्ट हो पाता है तो फिनाइल कीटोन यूरिया जो होते हैं, जो होते हैं ब्लड में, उसका लेवल बढ़ जाता है। मेटाबॉलिक डिफेक्ट इन फिनाइल कीटोन यूरिया। फिनाइल कीटोन यूरिया में मेटाबॉलिक डिफेक्ट ये है कि फिनाइल एलनिन जो है वो टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। ये एंजाइम की हो सकता है फिनाइल एलनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की कमी से हो सकती है। इसमें भी वेरिएशन है कि किसी किसी में डाइहाइड्रोबायोप्टेरिन नहीं होता है, जिसकी वजह से फिनाइल एलनिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से थायरॉयड हार्मोन डोपामिन, एपिनेफ्रिन, मेलानिन भी नहीं बन पाते। फिनाइल एलनिन में फिनाइल एलनिन हाइड्रोक्सिलेज की कमी हुई, जिसकी वजह से टायरोसिन नहीं बना। तो फिर टायरोसिन नहीं बना तो ब्लड में फिनाइल एलनिन तो ज़्यादा अमाउंट पे इंक्रीज हो गया, तो फिर इसका जो फिनाइल एलनिन जो होता है वो टायरोसिन में नहीं कन्वर्ट होकर ट्रांस एमिनेज प्रोसेस से कन्वर्ट हो जाते हैं फिनाइल पायरूवेट में, और फिनाइल पायरूवेट फिर बनाते हैं फिनाइल एसिटेट और फिनाइल एक्टेट।
अल्टर्ड मेटाबॉलिज्म इन फिनाइलकेटोन्यूरिया। अल्टर्ड फिनाइलकेटोन जो है फिनाइलएलनिन वो टायरोसिन नहीं बना पाया, जिसकी वजह से अल्टर्ड प्रोडक्ट बन जाते हैं फिनाइल एस्टेट, फिनाइल एक्टेट, फिनाइल एसिडेट, ग्लूटामिन, ये सब प्रोडक्ट बन जाते हैं। और ये कंपाउंड जो होते हैं यूरिन में एक्सक्रीट होते हैं, जिसकी वजह से यूरिन का जो होता है माउशी ऑर्डर होता है। क्लिनिकल, जिस पर्सन को फिनाइलकेटोन यूरिया डिजीज़ होता है तो वो उसका मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है, फेल्यूर टू वॉक और टॉक, और फेल्यूर ऑफ ग्रोथ, सीजर हो जाते हैं उसमें, और वेरी लो आईक्यू रहता है उसका, और हाइपोपिगमेंटेशन होता है क्योंकि फिनाइलएलनिन से टायरोसिन नहीं बना, और टायरोसिन जो है मेलानिन पिगमेंट बनाता है, मेलानिन पिगमेंट यहाँ नहीं बन पाते। डायग्नोसिस ऑफ फिनाइलकेटोन यूरिया, इसके लिए फेरिक क्लोराइड टेस्ट है, डीएनए प्रोब्स टेस्ट है, ग्यूथराइड टेस्ट है, टायरोसिनीमिया टाइप सेकेंड डिजीज है, जो कि टायरोसिन ट्रांसएमिनेज एंजाइम की डिफिशेंसी से होती है। ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिफेक्ट है, इसको रिचनर हैनहार्ट सिंड्रोम भी कहते हैं। ये जो है बहुत ही कम लोगों में होता है कि 250,000 बर्थ में 1% में ऐसा हो सकता है, टायरोसिन ट्रांसएमिनेज की कमी हो सकती है। तो जो टायरोसिन का जो पाथवे है, कैटाबॉलिक पाथवे, वो ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से जो होता है टायरोसिन और उसके मेटाबोलाइट जो होते हैं वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं। टायरोसिन जो है टायरोसिन ट्रांसएमिनेज के प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है पारा हाइड्रोक्सी फिनाइल पाइरूवेट में। तो यहाँ पे टायरोसिन ट्रांसएमिनेज एंजाइम की डिफिशेंसी हो जाती है, जिसकी वजह से फिनाइल हाइड्रोक्सी पारा हाइड्रोक्सी फिनाइल पाइरूवेट नहीं बन पाता है, और टायरोसिन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है पारा हाइड्रोक्सी फिनाइल पाइरूवेट में, पारा हाइड्रोक्सी फिनाइल एक्टेट में, और पारा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिडेट में, एन एसिटाइल टायरोसिन में, और टायरामीन में। और इसका क्लिनिकल फीचर है, जिस पर्सन में टायरोसिनीमिया होगा तो उसमें स्किन लिशंस होंगे, इस तरह से स्किन में जो होंगे दाग होंगे, और आई लेशंस होते हैं, और मेंटली रिटार्डेड होते हैं। टायरोसिनीमिया टाइप फर्स्ट है, इसका अदर नेम है टायरोसिनोसिस, और ये भी एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, लेकिन ये बहुत सीरियस डिसऑर्डर है। 1 लाख बर्थ में 1% को ऐसा हो सकता है। इसमें जो एंजाइम की डिफिशेंसी होती है वो है फ्यूमेराइल एसिटोएसिटेट हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम की डिफिशेंसी होती है, जिसकी वजह से लीवर फेल्यूर हो जाता है, रिकेट्स हो जाते हैं, रिकेट्स विटामिन डी की डिफिशेंसी हो गई, रीनल ट्यूबुलर डिस्फंक्शन हो जाता है, किडनी सही से काम नहीं करता है, पॉलीन्यूरोपैथी हो जाता है, जिसकी वजह से वीकनेस नमनेस हो जाते हैं। टायरोसिन इट्स एंड इट मेटाबोलाइट, टायरोसिन और इसके मेटाबोलाइट्स होते हैं वो यूरिन में एक्सक्रीट होने लगते हैं। टायरोसिनीमिया टाइप फर्स्ट है, इन एक्यूट टायरोसिनोसिस द इन्फेंट एग्जिबिट डायरिया, वॉमिटिंग एंड कैबेज लाइक ऑर्डर, डेथ में इवन अकर ड्यू टू लीवर फेल्यूर विद इन 1 ईयर। और फॉर द ट्रीटमेंट डाइट लो इन टायरोसिन फिनाइलएलनिन एंड मेथियोनिन आर रिकमेंडेड। जो इन्फेंट होते हैं उसके लीवर फेल हो जाते हैं तो उसके 1 साल की एज तक में उसका डेथ हो जाता है, तो उसको ऐसा डाइट देते हैं जिसमें कि टायरोसिन की कमी हो, कम मात्रा में, और फिनाइलएलनिन मेथियोनिन भी कम अमाउंट में हो, वो डाइट देते हैं। और इस एक्यूट टायरोसिनोसिस में जो इन्फेंट है वो डायरिया, वॉमिटिंग और कैबेज लाइक जो ऑर्डर उसमें आ जाते हैं।
अलकैप्टॉन यूरिया हुआ कि नॉर्मल यूरिन का कलर येलो होता है, और अलकैप्टॉन यूरिया के केस में जो है यूरिन का कलर ब्लैक हो जाता है। इसमें जो है डिग्रेडेशन ऑफ फिनाइल एलिन टू टायरोसिन, पारा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरूवेट जो है, जो टायरोसिन का हमारा कैटाबॉलिक स्टेप है उसमें एक स्टेप आता है पारा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरूवेट, जो कि कन्वर्ट होते हैं पारा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरूवेट डायऑक्सीनेसिस के प्रोसेस में होमोजेंटिसेट में। तो यहाँ पे पारा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरूवेट डायऑक्सीजनेस एंजाइम की डिफिशेंसी होती है, ये एंजाइम नहीं पाया जाता है जिसकी वजह से आगे का प्रोसेस नहीं हो पाता है, होमोजेंटिसेट नहीं बन पाते। क्लिनिकल फीचर है अलकैप्टॉन यूरिया का कि अलकैप्टॉन यूरिया जो है वो फॉर होमोजेंटिसेट ऑक्सीज के प्रेजेंस में बनाएगा, फॉर मेलाइल एसिटोस्टेट में कन्वर्ट होता, तो ये प्रोसेस ने तो होमोजेंटिसेट जो है इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है बेंजोक्विनोन एसिटेट में, और बेंजोक्विनोन एसिटेट जो है वो अलकैप्टॉन बनाता है, और अलकैप्टॉन जो है ये डिपॉजिट हो जाता है हमारे कनेक्टिव टिश्यू में, बोन में और वेरियस ऑर्गेन में। अलकैप्टॉन यूरिया है किसी पर्सन में, इसका सिंपल टेस्ट है कि यूरिन को अगर कुछ टाइम के लिए खड़ा कर दे आ जाए तो वो जो होते हैं ब्लैक कलर में चेंज हो जाते हैं, और फेरिक क्लोराइड के साथ और सिल्वर नाइट्रेट के साथ यूरिन जो है एक पॉजिटिव टेस्ट देते हैं, तो इसका मतलब है अलकैप्टॉन यूरिया है। अल्बिनिज्म हो गया, अदर नेम है इसका टायरोसिनोसिस, ये भी एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिफेक्ट है, और ये जो होता है 20,000 पर्सन में 1% अल्बिनिज्म होता है, ये डिफेक्ट होता है उसमें, इसमें एंजाइम की डिफिशेंसी होती है टायरोसिनेज एंजाइम की डिफिशेंसी हो जाती है, तो जिसकी वजह से जो है मिलानिन पिगमेंट का सिंथेसिस नहीं होता है। और इसका क्लिनिकल फीचर है कि जिस पर्सन में अल्बिनिज्म रहेगा तो उसमें मिलानिन नहीं होगा, वो सनलाइट से बहुत सेंसिटिव होगा, उसको स्किन कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, फोटोफोबिया होगा, वो लाइट को टॉलरेट नहीं कर पाएगा, हालांकि आईसाइट में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है देखने में, उसके हेयर जो होंगे बॉडी पे जितने भी हेयर होंगे वो ब्लैक नहीं होंगे वो वाइट होंगे। ओके, थैंक यू।